इसी के साथ साथ उनके परिवार की भी वृद्धि हो, तो आपका चाहना क्या गलत है? नहीं। आपकी इस चाह को मैं कहूंगा, ये चाह तो भगवान में भी रही है। सृष्टि के विकास में अगर आपकी महत्व की, आपकी विशेषता आज है, तो आज जो आपकी विशेषता है वह आपकी संतानों के माध्यम से आगे भी चलती रहे, तभी तो आपको परम संतुष्टि होगी। महात्मा यही तो चाहते हैं। महात्मा की दो तरह की संतानें हैं, एक तो है नाद की और दूसरी है बिंदु की। बिंदु की संतानों के रूप में आप हैं। ध्यान देना, महात्मा का एक शिष्य है नाद, शब्द के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो अपना हो जाता है गुरु शिष्य के रूप में, आप लोग हैं एक, ये संतान का रूप है। आप लोगों की संतान का रूप है स्थूल, पति पत्नी के रूप में आपकी जीवन यात्रा शुरू होती है, फिर घर में बेटे का जन्म होता है, बेटे से उसकी संतान का जन्म होता है, संतान से संतान का जन्म, ये है बिंदु संतान। तो आपके महत्व की व्यवस्था आपके भविष्य में छिपी हुई है, आपके भविष्य की संतानों के साथ छिपी हुई है। तो प्रियव्रत की जो तीन संतानों में विशेष उल्लेखनीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई संतानें हैं, वह है उत्तम, तामस और रैवत। उन्हीं की परंपरा में राजा आग्निद्र हुए। उनकी नौ संतानें हुई और नौ संतानों को उन्होंने किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, ये जो आप कुरु प्रदेश सुनते हैं ना, कुरुक्षेत्र, भद्राश्व, केतुमाल, ये खंड हैं, इन खंडों का अधिकार दे दिया। उन्हीं संतानों की परंपरा में एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व है नाभि। नाभि ने संतान के लिए एक साधना की, यज्ञ किया। ऐसा कहा जाता है कि जिसके संतान न हो रही हो वह पुत्रेष्टि यज्ञ करे। आप कहेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ की बात की तो पुत्री के लिए क्यों कामना नहीं की? पुत्री के लिए बात यह है सज्जनों, हमारा व्यक्तित्व दोनों से जुड़ा हुआ है। पुत्र की कामना सीधा अपने लिए है, लेकिन पुत्री आवश्यक रूप से अपने साथ जुड़ी हुई है। पुत्र के साथ एक शास्त्रीय कल्पना दी कि पुम नामकात नरकात त्रायते, इस बात को कल बता चुका हूं, क्योंकि पुत्री अपने घर में नहीं रहती। सज्जनों, बड़ी विडंबना की बात है, छोटी सी बच्ची को आप कुछ चीज दें और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको वो ये कहती आ मारू छे, उसको वो रखती चली जाती है। और एक दिन निश्चित आता है कि जब वह उस घर से जहां जन्मी थी उस घर
में अपने आप को नहीं देखना चाहती, वह अपने अपने घर को उसको मां बाप के घर को अपना घर नहीं कह सकती। लेकिन बेटा, बेटे की बात क्या है, बेटा तो यह कहेगा कि मेरा घर है, और बेटी, यह हकीकत तो है, वास्तविकता तो है, बेटी कहती कि मेरा घर है, थोड़ी देर के लिए कहेगी। बेटी का परिचय मां बाप के साथ में है तो सही, लेकिन यह उसका आंशिक परिचय है, पूर्ण परिचय नहीं है। उसका पूर्ण परिचय कब होगा, जब उसकी शादी होती है। जहां शादी होती है, जिस घर में वह जाती है, वही उसका अपना घर माना जाता है। ध्यान देने, इसीलिए तलाश किसकी होती है, बर की। बर को तो देख लेते हैं, लेकिन घर को नहीं देखते क्या? बर को भी देखते हैं, और इसी के साथ साथ बर के घर को भी देखते हैं। अगर बर बड़ा सुंदर है और घर उसके पास नहीं है, तो बेटी को कहां भेजना है? बेटी को आप क्या सुंदर देना चाहते हैं, बर सुंदर देना चाहते हैं कि घर? मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसीलिए सज्जनों, हर बाप एक घर बनाने की कामना करता है। इसलिए सज्जनों, घर बनाना बुरा नहीं है। आपका अगर बेटा है और बेटे को अच्छी लड़की आप बहू के रूप में दिलाना चाहते हैं, तो आपको अच्छा घर बनाना चाहिए। मैं भी आपको यही आशीर्वाद अगर मैं दे सकता हूं, कर सकता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि आपका अच्छा घर बने। तो अच्छा घर बनेगा तो सभी कुछ वहां पर अच्छा हो जाएगा। लेकिन घर अगर खाली हो तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपका घर भरा रहे तो घर किससे भरा रहेगा? है? संतानों से। संसार का यही सुंदर रूप है। अगर सहज ढंग से नहीं होता तो किसी साधना से, आराधना से हम अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं। राजा नाभि ने अपने आसपास देखा, घर तो सुंदर है लेकिन संतान नहीं है। घर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा विशाल है, चलने दो, सब चलने दो, अपनी अपनी जगह सब चलते रहेंगे, डोंट डिस्टर्ब, होने दो, रोकना मत, वो तो होगा ही। जो हो रहा है होने दो, आप जहां हैं आप वहां रहो, यही नियति है। तो राजा नाभि ने देखा कि घर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा विशाल है, लेकिन घर अभी खाली है। उस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ को संपादित करने वाले ब्राह्मण जन भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यज्ञ पुरुष प्रसन्न हो गए, यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। यजमान तो क्या बोले, सज्जनों हमारे पंडित बहुत आशीर्वाद देते हैं। पंडितों ने ही बोलना शुरू किया। पंडितों को यह लगा कि हमारी साधना सफल हो गई, पंडितों को यही लगा ना, इसलिए
पंडितों ने अपनी साधना की सफलता को देखकर परम प्रसन्न हो गए, और जो यजमान है वो तो प्रसन्न हुआ ही। यजमान से ज्यादा उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर्म कराने वाले को ज्यादा प्रसन्नता होती है। पंडितों ने भी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा कि आप जैसी संतान हो। ध्यान दें, उन्हीं नाभि के यहां भगवान विष्णु ऋषभ देव के रूप से जन्म लेते हैं, इसीलिए ऋषभ देव को अपने यहां अवतार के रूप में बताया गया है। ऋषभ देव की वंश परंपरा में ऋषभ देव एक प्रकाश की तरह से हैं। आज आप सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, जैन संप्रदाय के आदि महापुरुष ऋषभदेव जी महाराज हैं। आपको बड़ा गर्व होगा, इसलिए सज्जनों आप अपने मूल घर से मत हटना, घर के कोने को मत कहना कि ये मेरा घर है। आपका घर बहुत विराट है। आपके इस सनातन धर्मी धर्म में, सनातन धर्म के इस विशाल घर में बुद्ध जन्म लेते हैं, ऋषभदेव जन्म लेते हैं, और सिखिज्म के मूल महापुरुष नानक भी कहां जन्म लेते हैं। लेकिन आज वो भले ही अपने आप को अलग देखने लगे हों, लेकिन आपका घर बहुत विराट है। जिस समय ऋषभदेव जी महाराज की उम्र हो गई, उन्होंने सोचा अब तो संसार हमारे लिए नहीं है। इतना ही सोचना, हमारे लिए नहीं है तो ये मत कहना कि तुम्हारे लिए नहीं है। मुश्किल यही पैदा हो जाती है। जिस बात को आप अपने लिए उचित मानते हैं, अगर आपको कहना है वही बात दूसरे के लिए, तो पहले निरीक्षण कर लेना कि आपकी भूमि में वह है कि नहीं। एक बा जो हमेशा अपनी युवा संतानों की उन्नति के लिए, बा का बड़ा महत्व है। हर बा जब भगवान के सामने खड़ी होती है तो यही प्रार्थना करती है कि मेरे परिवार को सुखी राखो, यही तो प्रार्थना करती है। लेकिन बा के हाथ में अगर माला है और बा कहने लगे अपनी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश करती हुई बच्ची को, क्या बोल देंगे उसको? पौत्र बोलते हैं उसको, पौत्री बोलेंगे। नम्रता आपकी पौत्री है। तो बा के हाथ में माला हो बड़ा अच्छा लगेगा, और बा कहने लगे कि पौत्री तू भी माला पकड़ के बैठ जा, बड़ा गलत हो जाएगा। नम्रता कहेगी कि मां मेरे लिए अभी माला नहीं, मेरे लिए तो भी चौपड़ी है, चौपड़ी। ऋषभ देव ने कहा कि अब संसार मेरे लिए नहीं है, संसार तुम सबके लिए है, लेकिन एक संदेश मैं देता हूं, इसको ख्याल में रखना। मैं जिस बात से प्रेरित होकर के अब संसार से प्रस्थान कर रहा हूं, संसार दो रूपों में है। पिता और माता के रूप में, पति और पत्नी के रूप में। हर बच्चा
किसी माता पिता से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर बच्चा युवा तो होगा और युवा होने के बाद उसकी उम्र की सार्थकता कहाँ है? जब वह पति बन जाए। पति बनेगा तो कोई पत्नी होगी, तो दो ही संबंध है संसार के, माँ बाप का संबंध और पति पत्नी का संबंध। हर पति पत्नी माँ बाप का रूप लेना चाहती है, तो मानना पड़ेगा एक ही तरह का संबंध है पति पत्नी। इसीलिए ऋषभ देव ने एक संदेश दिया कि दो ग्रंथियां हैं, एक तो है पति की ग्रंथि और दूसरी है पत्नी की ग्रंथि। जब पति को कभी विराग आता है और वह घर छोड़कर के जाना चाहता है, तो पत्नी कह रही है कि मने छोड़ी ने क्या जसो, यही बोलेगी ना। अब पत्नी की इस भावना ने पति को सन्यास धर्म में प्रवेश करने की जो सोचता है उसको रोक लेता है, उसकी भावना ने उसको पकड़ लिया, और भावना ने पकड़ लिया ऐसे गहरे पकड़ लिया कि उसको जकड़ लिया, अब वो जा नहीं सकता है। तो पति को पत्नी बांध रही है, पत्नी बंधी हुई पति को बांध लेती है। आप गांठ लगाइए, जब गांठ आप लगाते हैं तो दोनों छोरों को तो मुड़ना पड़ता है ना, अगर एक छोर ना मुड़े तो गांठ लगेगी? लगा करके देखिए, गांठ तभी संभव होगी जब दोनों छोर, नहीं तो मजबूत गांठ नहीं होगी। आपको कोई पकड़ना चाहे प्रेम से और आपको कोई पकड़ ही ले थोड़ी देर के लिए, आपने देखा क्या जाए छे, अगर वो उत्तर नहीं दिया तो आप सोचेंगे कि क्या जाए छे, आप किधर मुड़ते हैं, जिधर पत्नी जा रही उधर आप मुड़े कि नहीं मुड़े? आप शरीर से भी मुड़े और मन से मुड़े कि नहीं मुड़े? आपका मन कहां है? ज्या ते छे त्या तमारो मन छे, यही बराबर है ना। और जब आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो वो तुरंत आपको पकड़ लेती है। इसी को बताया ग्रंथि। ऋषभ देव जी ने कहा ये ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों से आप मुझे मुक्त कर लेना है। ध्यान देना सज्जनों, सार रूप से यही बंधन और मोक्ष का रहस्य है। ममेति बंधनम, मम भाव ही बंधन है और न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ही टूट गया तो बंधन रहेगा। कहा बंध और मोक्ष के लिए ये दो ही शब्द पर्याप्त हैं। ऋषभ देव जी इस अंतिम संदेश को अपनी संतानों को दे करके जाते हैं जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ जब गए हैं तो देह की कक्षा से भी अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। इस देह को हम क्या कहें, इदम शरीरम क्रमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम शौच मध्रुवम। ये शरीर क्या है, निरंतर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, ऊपर से इसका जो सौंदर्य दिख रहा है अगर चोट लग जाए तो इन्हीं हाथों से जो कोई हाथ मिलाता है और हाथ जल जाए, हमारी ऊपर की जो व्यवस्था है वो विकृत हो जाए, तो कोई हाथ भी नहीं मिलाना चाहेगा।